This channel is for education purpose and we do not recommend you to buy or sell any stocks. Before investing in our predictions, please take advice from your financial advisor. We are not responsible for any of your profit and losses. So, guys, welcome back to our channel if invest उम्मीद है आप सभी के trading तेज़ अच्छा जा रहे होंगे। अगर नहीं जा रहेंगे तो इस video का end तक ज़रूर देखिएगा। कल के जो stocks के level हैं, उनकी मैं बात करूं तो सबसे पहला था हमारा mastek. mastek में देखिए यहाँ पे हमारा जो था buying का level बना था। बाइंग का लेवल बना था ये ब्रेकआउट होता है इसने देखिए अपना हाई लगभग लगभग इलेवन हंड्रेड एंड नाइन्टी टू का बनाया है तो यानी कि इलेवन इलेवन हंड्रेड एंड थर्टी फाइव से इलेवन हंड्रेड नाइन्टी टू का इसने टॉप बनाया है तो आप समझ सकते हैं आपको कितना अच्छा प्रॉफिट इसमें हो गया होगा अगर आपने इसमें ट्रेड लगी थी अगला तो अगला जो हमारा स्टॉक था वो था वीवीएल का वीवीएल में देखिए जैसे कि स्टॉक हालांकि गैप अप ओपन हुआ था पर इसने अपना दस बजे के अंदर अंदर या फिर ग्यारह बजे के अंदर अंदर अपना गैप रिफिल कर लिया था क्योंकि एट हंड्रेड से बड़ा स्टॉक था तो ग्यारह बजे के अंदर अंदर इसने अपना गैप रेफिल कर लिया था गैप रेफिल कैसे होता है ये चीज मैं आज आपको दिखा देता हूँ एक जैसे मान लीजिए ये हमारा बाइंग प्राइस है ये लेवल जो है हमारा बाइंग प्राइस का लेवल है और ये जो है हमारा शॉर्ट सेलिंग प्राइस का लेवल है मान लीजिए इसका लेवल ये नहीं था बट ये मान लीजिए अब लेवल ये है स्टॉक जो है ये गैप अप ओपन हुआ है गैप अप ओपन होने के बाद भले ही वो कहीं भी चला गया हो अगर ये दस बजे के अंदर अंदर गैप रिफिल कर लेता है गैप रिफिल कैसे हुआ देखिए ये अब गया अब जाने के बाद दोबारा डाउन आया डाउन आने के बाद ये पांच मिनट का मैंने टाइम फ्रेम रखा है मैंने तो बस आपको कहा है एक मिनट का भी अगर होल्ड लेता है तो आप झटके में उसे बाय कर लीजिए बाय या शॉर्ट सेल कर लीजिए ही वो लेवल ब्रेकआउट करेगा तो इसने यहाँ पे होल्ड लिया दोबारा इसने बाय का लेवल भले ही ब्रेकआउट नहीं किया हो जो हमने एज्यूम किया है कि ये लेवल है इसने ये लेवल ब्रेकआउट नहीं किया इसका लेवल ब्रेकआउट ज़रूर होगा होगा लेकिन ये जो एज्यूम वाला लेवल है वो ब्रेकआउट नहीं हुआ तो उसको बाय नहीं करेंगे शॉर्ट सेलिंग का लेवल हमारा एज्यूम वाला लेवल जो हमने एज्यूम किया कि ये शॉर्ट सेलिंग प्राइस है तो ये लेवल ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे यहाँ पे आप शॉर्ट सेल करेंगे और यहाँ के आपका टारगेट पहला टारगेट प्राइज ईजिलीली अचीव हो जाएगा ये सब मैं एज्यूम कर रहा हूँ इसका एग्जैक्ट लेवल मैं अभी आपको बताऊंगा बट बत मैं आपको समझाने के लिए एज्यूम कर रहा हूँ तो यही है गैप अप और गैप डाउन में फर्क अगर स्टॉक गैप अप गैप डाउन ओपन होता है तो आपको वेट करना है ग्यारह बजे तक उसके गैप रिफिल होने का आठ से बड़ा स्टॉक है तो आठ से छोटा स्टॉक है तो आप उस स्टॉक को साढ़े दस बजे तक वेट करेंगे लेकिन उससे ज्यादा वेट नहीं करेंगे वी वी एल की अब हम बात कर लेते हैं जैसे कि अभी मैंने आपको समझा था गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होगा तो आपको क्या करना है इसमें देखिए सबसे पहले हमारा जो था गैप रिफिल हुआ गैप रिफिल होने के बाद इसने यहाँ के हमारा शॉर्ट सेलिंग का लेवल ब्रेकआउट किया और हमारा एस एल हिट हो गया था यहां जाके बट जो एस एल हिट होने के बाद इसने हमारा बाई साइड का लेवल ब्रेकआउट किया और बाय साइड में एक टारगेट प्राइस आपको अचीव करके दे दिया जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि पहला टारगेट प्राइस पर आपको स्टॉप लॉस शिफ्ट करना है पहला टारगेट प्राइस अचीव होने के बाद वो आपको यहाँ पर काम आया होगा फिर दोबारा

अगला स्टॉक था हमारा इंडिगो इंडिगो की मैं बात करूं तो इंडिगो में आज हुआ क्या एक्चुअली में हमारा जो बाई साइड का था यहाँ पे बाई साइड का लेवल ब्रेकआउट हुआ ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे हमारा जो है दूसरा टारगेट प्राइस इजीली अचीव हो गया था तीसरा टारगेट प्राइस हमारा अचीव नहीं हो पाया रीजन अब आप खुद ही देख सकते हैं इतनी मूवमेंट इसने आज दी नहीं फिफ्टीन हंड्रेड फिफ्टीन से लगभग फिफ्टीन हंड्रेड फोर्टी यानी कि ट्वेंटी फाइव इसने मूवमेंट दी है आपको टोटल तो इतना इनफ था बट ठीक है ये अच्छा कर सकता था इसने किया नहीं बट आपको दो टारगेट प्राइस तो इसमें भी मिल गए थे अगला था हमारा गोदरेज प्रॉपर्टी इसमें हमारा ट्रेड नहीं हो पाई क्यों नहीं हो पाई ये स्टॉक जो था गैप अप ओपन हुआ और इसने अपना गैप रिफिल नहीं किया तो ये जो स्टॉक हमने दिया था आपको इंडिगो ये मैंने आपको दिया था टेलीग्राम चैनल पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन जोड़ जाएगा क्योंकि मॉर्निंग में दो कॉल में वहीं पर प्रोवाइड करता हूँ तो चलिए अगला स्टॉक है हमारा फोर टू सेवन की रेंज में जो स्टॉक्स मैं प्रोवाइड करता हूँ मॉर्निंग में उनमें से एक स्टॉक है जैसा कि मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको मैं फिफ्टीन टू ट्वेंटी पॉइंट्स आपको दे के जाएगा मेरा स्टॉक वैसा ही हमेशा मैं आपको जो स्टॉक्स देता हूँ वो करके भी दिखाता है कभी कभार हो जाए कि मिस मूवमेंट हो जाए बट ऐसे ज्यादातर स्टॉक्स जो है यही मूवमेंट दिखाते हैं पहले स्टॉक में अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें हमने आपको इस चीज शॉर्ट सेल करने के बोला था 558 पे और इसका जो लो बनाया है इसने बनाया 524 का अब आप लगा सकते हैं 558 से 524 25 से भी ज्यादा मूवमेंट आपको इसमें मिल गई थी शॉर्ट सेलिंग की साइड उसी के बाद मैं बात करूँ बाय साइड की कॉल की तो बाय साइड मैंने इसको आपको बाय करने के लिए बोला था एग्जैक्ट 566 पे मैंने समथिंग यहां पे आपको बाय करने के लिए बोला था और इसका मैंने जो हाई लगाया था वो लगाया था मतलब फर्स्ट लास्ट टारगेट पे लगाया था 582 का आप मुझे लेवल भी मांग सकते हैं मैं व्हाट्सएप पे आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा मैं आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं और लेवल अगर आप देखना चाहते हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं यही लेवल्स थे यानी कि बाय साइड के तीनों टारगेट प्राइस अचीव है शॉर्ट सेलिंग की साइड तीनों टारगेट प्राइस अचीव होने के बाद भी आपको कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल गए थे अगला स्टॉक था हमारा हैप्पीस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज इसमें देखिए सबसे पहले तो ये स्टॉक जो था गैप अप ओपन हुआ था गैप अप ओपन के बाद इसने दस बजे तक अपना गैप रिफ़िल किया गैप रिफ़िल करने के बाद इसने हमारा जो शॉर्ट सेलिंग का आखिरी टारगेट प्राइस था वो था हमारा 536 का वो यानी कि वो बारह बजे के करीब करीब गैप रिफ़िल करने के बाद ही इसने अचीव कर लिया था अगर आप होल्ड में रहे होंगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट से देख के चले गया था या जैसे कि इसने अपना लो बनाया फाइव थर्टी का तो फाइव यानी कि सिक्स पॉइंट एक्स्ट्रा आपको मिल जाता है अगर आप इसे होल्ड करते बट होल्ड नहीं किया होगा तो भी आपको तीनों टारगेट प्राइस इजीली इसमें अचीव हो गए थे अगला था हमारा सोनाटा सॉफ्टवेयर सोनाटा सॉफ्टवेयर देखिए आज हालांकि ये छोटा स्टॉक है फोर हंड्रेड की रेंज में ये स्टॉक था बट इसने जो है आज जो इसकी क्लोजिंग थी मैं आपको बताऊं तो लगभग लगभग यहाँ पे थी फोर हंड्रेड सेवनटी थ्री और फोर हंड्रेड सेवेंटी फोर पे और ये जो ओपन हुआ ये था फोर हंड्रेड एट्टी सिक्स पे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा गैप हमें देखने को मिल गया गैप रिफिल भी ग्यारह बजे के बाद हुआ तो ये स्टॉक जो है हमारा गैप ऑफ ओपन उनके कारण हम इसमें ट्रेड नहीं कर पाए हालांकि मूवमेंट इसने भी काफ़ी अच्छी दी अगला स्टॉक था हमारा आई जी एल की मैं बात करूँ साइड का एक टारगेट प्राइस इजिली अचीव हो गया था और शॉर्ट और शॉर्ट सेलिंग साइड में बात करूं तो शॉर्ट सेलिंग साइड में हमारे तीनों टारगेट प्राइस इजीली अचीव गए थे इसमें भी आपको 15 टू 20 पॉइंट्स का अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल गया था आखिरी स्टॉक था हमारा साइंट इस स्टॉक में देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं तो हमारा जो था आज एक जो हमारे सब्सक्राइबर थे उन्होंने एक गलती करी वो चीज़ मैं आपको बता दूं कि गैप अप ओपन होने के बाद गैप रिफिल का वेट ना करते हुए यहीं पे उस स्टॉक को बाय कर लिया ये सोच के कि स्टॉक काफी ऊपर बढ़ेगा बट ये बड़ा नहीं हल्का सा ऊपर गया और वापस डाउन आ गया तो ये गलती मत कीजिए अगर आप श्योर हैं कि यह बढ़ेगा तभी लीजिए वरना मत लीजिए श्योरटी क्योंकि देखिए गैप अप ओपन होने के बाद मैं गैप रिफिल कराने का वेट इसीलिए करता हूँ क्योंकि स्टॉक अपनी जो पहले वाली जो पोजीशन थी

तो इसने दोनों टारगेट प्राइस तो अचीव नहीं कर पाया पर एक टारगेट प्राइस जो, जो जो, हमारा था सिक्स थर्टी सिक्स का वो इजीली इसने अचीव कर लिया तो ये था हमारा आज का रिजल्ट आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा आप हमें कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा मॉर्निंग में अगर आप 400 टू 700 की रेंज में स्टॉक्स पाना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन जरूर जाएगा तो चलिए हम 24 फोर फाइव टू थाउंड ट्वेंटी वन के स्टॉक्स की बात कर लेते हैं सबसे पहले जो स्टॉक हमने आपके लिए चुना है वो है एच एल जिसे आप बाय करके चलेंगे थाउंड एंड फोर्टी थ्री का जब लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा यानी कि थाउजेंड एंड फोर्टी थ्री पॉइंट फाइव जीरो बाय करेंगे टारगेट रहेगा थाउजेंड एंड फोर्टी एट थाउजेंड एंड फिफ्टी एट और थाउजेंड एंड सिक्सटी फाइव का फर्स्ट टारगेट प्राइस जो स्मॉल इसलिए रहेगा अगर स्टॉक मूवमेंट ना दे पाए तो भी आपका एक कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो इसलिए पहला टारगेट प्राइस हमेशा स्मॉल रहेगा स्टॉप लॉस रहेगा आपका थाउजेंड एंड थर्टी टू का यानी कि थाउजेंड एंड थर्टी वन पॉइंट फाइव जीरो पे आपका स्टॉप लॉस लगाएंगे बाई साइड का और जो आपका जो टारगेट है उस फर्स्ट टारगेट प्राइस पर अचीव होने के बाद अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर देंगे फर्स्ट टारगेट प्राइस पर ताकि आपने जो अन किया है वो आपसे डिटेक्ट ना हो शॉर्ट सेलिंग का लेवल रहेगा थाउजेंड एंड थर्टी का यानी कि थाउजेंड एंड ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव जीरो पे आप इसे शॉर्ट सेल करेंगे टारगेट रहेगा थाउजेंड एंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एंड फिफ्टीन और थाउजंड एंड फाइव का स्टॉप लॉस रहेगा आपका थाउजेंड एंड फोर्टी वन यानी कि थाउजेंड एंड फोर्टी वन पॉइंट फाइव जीरो पे आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे उससे इधर उधर नहीं लगाएंगे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा आप हमें कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा 400 हंड्रेड्रेड्रेड्रेड टू सेवन हंड्रेड के रेंज में स्टॉक्स पाने के लिए ये जो स्टॉक्स होते हैं इनमें आपको मूवमेंट भी अच्छी मिल जाती है और जो शेयर प्राइस होता है वो भी कम होता है तो आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट यानी कि अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफी अच्छा प्रॉफिट कमा लेते हैं ट्वेंटी टू फिफ्टीन पॉइंट यानी कि मिनिमम टेन टू 25 पॉइंट्स आप इसमें अर्न कर लेते हैं बाइंग और शॉर्ट सेलिंग मिला के डेली तो आप अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में मॉर्निंग में दो कॉल्स में वहीं पे दूंगा ज्वाइन जरूर जाएगा अगर आखिरी स्टॉक है हमारा दलमिया भारत आप बाय करके चलेंगे 4956 फिफ्टी सिक्स का जब लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा टारगेट रहेगा 4962, नाइन सिक्सटी टू फोर्टीन हंड्रेड सेवेंटी फाइव और फोर्टीन हंड्रेड नाइनटी का स्टॉपलस रहेगा फोर्टीन फोर्टी वन का यानी कि फोर्टीन हंड्रेड फोर्टी पॉइंट फाइव जीरो पे आप अपना स्टॉप लगाएंगे। शॉर्ट सेलिंग का लेवल रहेगा फोर्टीन हंड्रेड थर्टी नाइन यानी कि फोर्टीन हंड्रेड थर्टी एट पॉइंट फाइव जीरो पे आप इसे शॉर्ट सेल करेंगे जो रूल्स मैंने अभी आपको बताया वही रूल्स आप इसमें भी कैरी करेंगे टारगेट रहेगा फोटी हंड्रेडी थ्री फोर्टीन हंड्रेड ट्वेंटी टू और फोर्टीन हंड्रेड टेन का स्टॉपलस रहेगा आपका फोर्टीन हंड्रेड फिफ्टी फोर यानी कि फोर्टीन हंड्रेड फिफ्टी फोर पॉइंट फाइव जीरो अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे फोर्टीन हंड्रेड फिफ्टी फोर पर नहीं लगाएंगे इस वीडियो को देखने देख के देख लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप इस चैनल पर नहीं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा